मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 12 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, यह दो बड़े आयोजन इंदौर में संपन्न होना है, जिसकी तैयारी फिलहाल पूरी हो चुकी है और लगातार जो काम ऐसे बाकी हैं वो भी युद्ध स्तर पर यहाँ पर लगातार जारी हैं। इंदौर, पूरे इंदौर को दुल्हन की तरह सजाया जा चुका है, जहाँ पर जो है निर्माण कार्यों की जरूरत थी वहाँ निर्माण हो चुके हैं, और जो सड़कें, जो बारिश के बाद सड़कें खराब हो चुकी थी, उन सड़कों को भी अब पूरे इंदौर में चकाचक कर लिया गया है। हालांकि पूरे इंदौर में पूरे जो NRI सम्मेलन होना है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, और इंदौर के लोग, जो इंदौर के रहवासी हैं, वो भी इस आयोजन को लेकर काफ़ी उत्सुक हैं और पलक पावड़े बिछाकर सभी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हो चुके हैं। वहीं सबसे बड़ी बात है, इस आयोजन में जो सबसे पहला आयोजन होना है 8 तारीख से, उसमें जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी शामिल होंगे। 9 जनवरी को जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट के बाद वो सीधे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, जो कार्यक्रम स्थल है, वहां पर पहुंचेंगे। वहां पहुंच के सबसे पहले जो डिजिटल प्रदर्शनी है उसका शुभारंभ करेंगे, और उसके शुभारंभ के बाद आगे का जो कार्यक्रम है उसमें अंदर एक बड़े हॉल में कार्यक्रम वहाँ पर किया गया है। उसी के साथ प्रदर्शनी के बाद जो दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ NRI आए हैं उनके साथ एक फ़ोटो सेशन होगा। उस फोटो सेशन के बाद जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। सभी जो दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, उनके साथ मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी वहाँ पर मंच साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। जब ये कार्यक्रम शुरू होगा, उस कार्यक्रम में स्वागत भाषण में जो हमारे यहाँ के विदेश मंत्री हैं वो यहाँ पर शिरकत करेंगे, विदेश मंत्री स्वागत भाषण देंगे। उसके बाद जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और जो दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मंच साझा करेंगे। वहीं जो सबसे आखिरी में जो कार्यक्रम होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, उस कार्यक्रम में सबसे आखिरी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लोगों को संबोधित करेंगे, क्योंकि यह एक बड़ा आयोजन माना जा रहा है। जो पूरे देश के यहाँ पर जितने भी NRI हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे, और इन NRIओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और पूरे देश को संबोधित भी करेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम, यह जो पूरा हमें आपको बताया, इसमें आगे की बात करें तो जो दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ मिलकर यहाँ पर सबसे आखिर में MOU साइन होगा। MOU साइन होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के साथ मिलकर, तकरीबन 96 NRI हैं जिनके साथ वो यहाँ पर भोजन करेंगे। भोजन में हम आपको बता दें कि विशेष प्रकार के भोजन यहाँ पर तैयार किए गए हैं, अलग अलग डिशेस यहाँ बनाई गई है, जिसमें मालवा की और इंदौर की जो तासीर है, जो मालवा इंदौर की जो पहचान है, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं इस लंच में शामिल किया गया है। उसी के साथ एक बड़ा आयोजन इंदौर में संपन्न होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन इस आयोजन में होगा, एक बड़ा आयोजन यह माना जा रहा है। तकरीबन 8 जनवरी से 12 जनवरी तक इस आयोजन का जो है अलग अलग कार्यक्रम होगा, जिसमें सबसे पहले प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा, उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। तो कहीं ना कहीं इंदौर और इंदौर के लोग इस पूरे आयोजन को लेकर काफ़ी उत्सुक है, और कहीं ना कहीं पलक पावड़े बिछाकर भी NRI जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है उनका, जो आने वाले लोग हैं उनका यहां पर स्वागत किया जाएगा। इंदौर से MP न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।